छूलेंगे आसमान। हमने आखिरकार इसे बना ही लिया कैप्टन माइकल, ये है गुफा BA-57। जल्दी कैप्टन जॉन, इस गुफा में छानबीन करो। रुको, मैं आयोनिक पोलर स्कैनर को एक्टिवेट करता हूँ ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है। ये देखो, इसमें बहुत देर लगेगी, मैं अंदर जा रहा हूँ। ओ नहीं कैप्टन माइकल, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वहाँ एक जाल है, मैंने वार्न भी किया था। नहीं, वहाँ कोई जाल नहीं है, तुम एक डरपोक बिल्ली हो और कुछ नहीं। मैं कोई डरावनी बिल्ली नहीं हूँ, बल्कि मैं ध्यान से काम करता हूँ और ये दोनों चीजें एक नहीं है। जिस तरह तुम सोचे बिना काम करते हो, एक दिन बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। हाय वेंडी, तुम डर गई क्या? अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। ओके। पीटर, ये तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। हाँ हाँ, ये इतना भी फनी नहीं था। ओके, तो क्यों ना हम सब नेवलैंड चले। हाँ हाँ, मेरा मतलब है अगर जॉन को डर न लगे तो। तो चलो चले। टिंग टिंग टिंग। हम बस पहुंच ही गए। तो चलो, कम ऑन। तो आज हम क्या करने वाले हैं? क्या हम स्वैम्प मॉन्स्टर को पकड़ने वाले हैं या फिर मेगा ट्रिजिला से लड़ने वाले हैं? तुम मजाक कर रहे हो, हम उससे भी बेहतर कुछ करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सिंग सॉन्ग शेल्स को ढूंढने। हम नेवर ट्री पर नहीं रुकेंगे। वाओ! ये सिंगसोंग शेल क्या है? सिंगसोंग शेल्स एक फूल है, उन पर फूकने से संगीत निकलता है। कितना सही ना, लॉस्ट किड्स एक कॉन्सर्ट करना चाहते हैं। वाओ, ये तो बहुत मजेदार है, क्या मैं भी एक सिंगर बन सकती हूँ? क्या इससे कुछ ज्यादा करने के लिए मिलेगा? अम्यूजिंग, एडवेंचर्स, इंटरेस्टिंग। जब तक तुम देखते नहीं कि सिंगसोंग शेल्स को ढूंढना कितना अम्यूजिंग, एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग हो सकता है, तब तक इंतजार करो। और अंत में बताना चाहूंगा कि वहाँ बदबूदार पैरों वाला एक लुटेरा भी है। हाँ। ओके, हमें आसपास ही कहीं होना चाहिए। क्या तुमको यकीन है जारो? वास्तव में यहाँ बहुत अच्छी गंध नहीं आ रही है, सूंघो और महसूस करो। ये क्या है? जारो, ये बेवकूफ वाला हरकतें बंद करो और मुझे बताओ पावरफुल एनविल कहाँ मिलेगा जो मुझे दुनिया की सारी शक्ति देगा? वो एनविल। हाँ हाँ कैप्टन, ये आपको बहुत शक्तिशाली बना देगा। ऐसा क्या होता है कि सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं? क्या हम चॉकलेट ट्री के पास नहीं जा सकते? वहाँ शायद बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्या हम कुछ और नहीं कर सकते जो इससे बिल्कुल अलग हो? फॉर अ चेंज, एक बार। रुको दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। हम जाकर सिंगसोंग शेल्स को ढूंढते हैं, तब तक तुम फ्लाइंग नर्सरी में जाकर खेल सकते हो और वहाँ जाकर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। क्या तुम सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स हम सच कह रहे हैं। चलो बाद में हम सब यहीं मिलते हैं। ओके, चलो। रुको, आखिरकार हम तीनों मजे कर सकते हैं और हमें बदबूदार पैरों वाला पायलट भी तो मिलेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैप्टन, 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 क्या है? अगर आप चाहते हैं कि ये काम करे तो पहले आपको एक जादुई मंत्र बोलना होगा। जादुई मंत्र? ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ इंसान? बहुत हो गया, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, जल्दी से वो मंत्र पढ़ो। नाकता एक तुम बिस्को तुम मैक्सिमा गाराबादू एट ग्राबादू प्रोसम एस्ता मैक्सिमोस्कोस। ये
ये काम नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि हमारे पास अभी तक हमारे कुल देवता नहीं है। कुल देवता मतलब क्या है कुल देवता? अब हम क्या करेंगे? रुको, मुझे देखने दो, क्यों ना हम वहाँ जाके उन माइकल, रुको, वो खतरनाक हो सकता है। हाय, मैं हूँ माइकल और ये है जॉन। आपका नाम क्या है? आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मदद चाहिए? मेरा नाम बीवा बॉब है और मैं सभी लोगों के लिए साहस की दवाई बना रहा हूँ। ये एक बड़े सम्मान की बात है। क्या आप मदद करें? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब ये मंत्र तभी काम करेगा और ये एनविल मुझे तभी मिलेगा जब मैं ये मंत्र कुल देवता के सामने पढ़ूंगा, है ना? बताओ, ऐसा ही करना है ना? एग्जैक्टली। क्या एग्जैक्टली? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? इसे हम उठा के कैसे ले जाएंगे कुल देवता के पास? समझाओ मुझे। कैप्टन, मैं क्या कहता हूँ, हमें इसे कुल देवता के पास ले जाने में दिक्कत है, लेकिन कुल देवता हमारे पास आ सकते हैं ना? ठीक है, तो मुझे तुम बताओगे कुल देवता को कैसे चुराए हम लोग? मैं तुम्हारे इस चेहरे को कभी नहीं भूलूंगा। वेंडी डर गई, वेंडी डर गई। हाँ, पर पीटर, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कोस्वाम की चुड़ैल को तुम्हारा जोक पसंद नहीं आएगा। चुड़ैल? कौन चुड़ैल? अगली सामग्री है वो ग्लोइंग लाइट चेन, लेकिन सावधान उन इच रूम से। खुजली वाला पाउडर। माइकल, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, मिल गया, मुझे मिल गया। अगली सामग्री है जेरल लूज पैराशूटिस्ट्स। नहीं माइकल, ये बहुत खतरनाक है। परेशानी खड़ी करना बंद करो माइकल। थैंक्स जॉन। स्ट्रॉबेरीज। माइकल, हमने तुम्हें शांत रहने को कहा। शांत हो जाओ माइकल। और आखिरी सामग्री है, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, मुझे नहीं। देखने दो। अरे वो देखो, एक बड़ा सा करोला फूल। माइकल रुको। जॉन, मुझे बाहर निकालो। ओके, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर वादा करो कि सारे काम ध्यान से करोगे। और ग्रेट बुक ऑफ नेवलैंड में लिखा है कि हर रोज रात को चुड़ैल आपके सपनों में आपको डराने आती है। क्या 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 बकवास है, बिल्कुल बकवास, नॉनसेंसिकल। वो चुड़ैल कहाँ है? वो कहाँ है वो? तुम्हें तुम्हारी शक्ल देखनी चाहिए थी पीटर। ओके, तुम्हें सब मिल गया है, कुछ बचा तो नहीं? क्या ये दवाई बन जाएगी? माइकल, तुमने वादा किया है। हाँ, यही सब होना चाहिए, और क्योंकि हम नेवरलैंड के सबसे ऊंचे और पवित्र जगह पर है, तो मुझे लगता है कि दवाई एकदम सही बननी चाहिए। क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ सकते हो? मुझे सभी सामग्रियों को सही ऑर्डर में मिलाना है। रंग बिरंगी घास, ग्लो इन द डार्क लाइकन, स्ट्रॉबेरी के जंगल की एक स्ट्रॉबेरी और पवित्र जगह के फूल। फूलों को सीक्रेट जगह की जरूरत है। ओ नहीं माइकल, ये तुमने क्या कर दिया? इसे इस दवाई में नहीं मिलाना था। ये तुमने क्या कर दिया? उप्स। ये है मेरा प्लान। क्या आप फिर से कहेंगे कैप्टन? उस बदसूरत चुड़ैल को मेरा सामना करना पड़ेगा। पीटर, चुड़ैल जैसी कोई भी चीज नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये पूरी करामात जॉन और माइकल की है, क्योंकि ऐसी स्टूपिड हरकतें सिर्फ वो दोनों ही कर सकते हैं। मैं सब समझ गया। वेल, हम जहाँ मिलने वाले थे वहीं चलते हैं। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया?
वही जो तुम हमेशा करते हो, सोचे समझे बिना काम। अब तुमने हम सबका मुसीबत में डाल दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं जॉन? कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, वरना और मुसीबत आ सकती है। हमें ग्रेट चीफ से जाकर मिलना चाहिए। नेवरलैंड को इस हालत में छोड़ देना बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ करना होगा। आहा, मिल गया। इस दवा में कुछ भी गलत मिलाने से नेवरलैंड की ऊर्जा में बदलाव हो सकता है, और इसे रोकने के लिए एक ही उपाय है। मेरी भूख! अरे कोई मेरी मदद करो इसे पकड़ने में। बचाओ! माइकल, ये डरने का समय नहीं है, ओके? मुश्किलों का सामना करने का समय है, समझे? हे गाइस, मुझे मदद की जरूरत है, मैं पहुंचने वाला हूँ। आगे बढ़ो माइकल। ठीक है, मैं ले आता हूँ। ये लो, इसे पकड़ो। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मुझे ऊपर खींचो। माइकल, द ग्रेट बुक, तुम उस तक पहुंच सकते हो। मुझे डर लग रहा है, ये बहुत ऊंचा है। तुम बहुत ब्रेव हो माइकल। जाओ माइकल, तुम कर सकते हो। पकड़ लिया। वेरी गुड माइकल। यहाँ से बदबू आ रही है। नहीं, हम इस गुफा से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम कुल देवता को चुराने का रास्ता नहीं ढूंढते। अपर कैप्टन, यहाँ सच में बहुत बदबू आ रही है। क्या तुमने सुना नहीं? मुझे शक्तियाँ चाहिए, शक्तियाँ। कैप्टन वा, यहाँ एक गांव है और जाने के लिए जादुई रास्ता। तो फिर चलो, थके हुए लुटेरों, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ध्यान से। बाल बाल बच गए। पीटर, बचाओ! मैं अभी आया टिंकरबेल। एक इनविजिबल वॉल, बचाओ! मैं तुम्हें बचा लूंगी। बहुत बढ़िया मूव वेंडी। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन मैं स्कूल में बेस्ट हाई जंपर हूँ। बातें बहुत हो गई, तुम दोनों भूल गए हम यहाँ किस लिए आए हैं। तो मैं कह रहा था कि नेवरलैंड को बचाने के लिए नई दवाई बनानी होगी, वो भी महान कुल देवता के पैरों के नीचे। हमें यही काम जल्दी करना होगा, वो भी सूरज डूबने से पहले। उसके बाद नेवरलैंड पहले जैसा हो जाएगा। और तुम नेवरलैंड को तोड़ने में कामयाब हो गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और अब नेवरलैंड को बचाने हमें नया पोशन बनाना पड़ेगा, है ना? हाँ, और वो भी सूरज डूबने से पहले। वेल, तो इंतजार किस बात का? शांत हो जाओ माइकल। ओके, अब हमारे पास सब कुछ है, चलो गांव की तरफ चलते हैं। तुम्हें पता है माइकल, साहसी होना अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी करो। मुझे देखो, मैं हमेशा बढ़िया प्लान बनाकर ही काम करता हूँ। हमें ग्रेट चीफ की मदद करनी होगी। आओ, हाय, मिला दिया। चाव दा कुल देवता। पीटर, जल्दी, हमें इसे रोकना ही होगा। हिलना मत, जैसे कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा।
अरे बाप रे, बहुत भारी है रे। ओ नहीं पीटर, कुछ करो। बैठो कैप्टन। हट जाओ मेरे रास्ते से। बचाओ लिली, संभल कर। पीटर बचा। हाँ? अब फिर से नहीं। ये तो अब एक आदत ही बनने वाली है। वापस चलो, वापस चलो। बहुत बढ़िया लुटेरो, तुम सबकी वजह से अब एनविल की सारी शक्तियाँ मेरे मुट्ठी में होगी। अरे नहीं, बिना कुल देवता के नेवरलैंड हमेशा के लिए टूटा हुआ रह जाएगा। ये सब मेरी गलती है। ऐसा मत कहो माइकल, और इतना डरना बंद करो। मैं सावधानी बरत रहा हूँ। नहीं, तुम डरते हो, और डर कभी आपको सही सलाह नहीं दे सकता। आप डर और सावधानी में कंफ्यूज नहीं हो सकते, और ना ही साहस और मूर्खता में। वो इसी रास्ते से गए हैं, हमें उनका पीछा करना होगा। नहीं, उन्होंने उसे बंद कर दिया, अब हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा, और मेरे पास एक आइडिया है। टिंकरबेल, क्या तुम पत्थर की उस तरफ जा सकती हो? मेरी इस पतली सी फिगर के साथ? ऑफ कोर्स, मैं ये कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे लगता है सिर इस तरफ होना चाहिए। तो वो लोग कहाँ पर हैं? दरअसल मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि वहाँ बहुत ज्यादा बदबू है। जॉली रॉजर से भी ज्यादा बदबू, सच में। मुझे ये बदबू पता है, ये माउंट पाइथन के पास की गुफा में आती है। माउंट पाइथन? हमें ये पोशन सनसेट के पहले बनाना है, और वो बहुत दूर है, हम ये नहीं कर सकते। हम ये कर सकते अगर शॉर्टकट ले और लुटेरों को धीमा करने की कोशिश करें। मैं उस बदबू को पहचानता हूँ, और इसीलिए अपने नाक पर भरोसा करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये रास्ता हमें सीधा माउंट पाइथन पे ले जाएगा। हम चलकर या उड़कर इतना जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे जितना यहाँ से जाएंगे। बहुत अच्छे माइकल। जेरो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ तो एक तो। किसने मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत की? टिंग 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 टिंग। किसने मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत की? किसने की ये जुर्रत? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कैप्टन वाह, डराए मत। ये देखो, हमने वो भूतवा को पकड़ लिया है। बदसूरत मरी, तुम खुश नसीब हो कि मैं फिलहाल कुछ बिजी हूँ। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। स्मी, इसे कस के पकड़ के रखो। जेरो, मंत्र पढ़ो। नाता एक तो मिस्तो मैक्सिमा ग्राबातोस। मैक्सिमा, इतनी जल्दी भी क्या है केकड़ो जैसे लुटेरे? ओ विक्टो, चूक गए। ओ फिर से चूक गए। बस अब अपने दोस्तों को मारना अच्छी बात नहीं है। आओ ललिता, पकड़ लिया। कहाँ जाओगी? तुम बदबूदार पागल चूहे जैसे हो। हाँ, तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? देखा, मैं पागल नहीं हूँ। ललिता के पास जाओ। एक तो मैक्सिमस तो ग्राबातो हमला। अरे अरे, हमका गुदगुदे मत कर रहे हैं। चलो अब इसे उठाए फेरी डस्ट के जादू से। टिंकर बेल, जो भी करना है वो जल्दी करो। आपका एक तो मैक्सिमस तो ग्रेटो क्राबाटो ये काम कर रहा है। एक तो क्राबाटो, बहुत देर कर दी। मैक्सिमा मुस्कोस। मैक्सिमा मुस्कोस? क्या मतलब है मैक्सिमा मुस्कोस? क्या तुमने मंत्र पूरा नहीं पढ़ा था जेरो? थोड़ा सा बाकी रह गया था। कम ऑन, जल्दी चलते हैं। अरे
मेरा पैर। जल्दी आखिरी सामग्री डालना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा। आगे बढ़ो माइकल, इस बार हमें पता है कि ये बिल्कुल सही है। नहीं, मैं इस बदबूदार गुफा में कैद होना नहीं चाहता। ललिता हाय। उसे बता दे कि ये बदबू उसके सॉक से आ रही थी। नहीं अभी नहीं। ध्यान से कहीं मॉम ना जाग जाए। डोंट वरी, वैसे भी हमें अभी सोने नहीं जाना है। तो क्या हम नया प्लैनेट ढूंढने जा रहे हैं? हाँ। और देखो, हमें ये पहनना चाहिए ताकि हम किसी जाल में ना फंसे। Well, good night, Wendy. चलो भी पीटर, घर जाने का समय हो गया है। तुमने ये नहीं सोचा था ना? Bye, पीटर। Wow, thank पीटर। तुम लोग आ गए? जॉन और वेंडी रिहर्सल के लिए गए हैं। वो शो की तैयारी कर रहे हैं। हेलो, वो आ गए। ठीक है, तो हम छिप कर उन्हें सरप्राइज देंगे। तो कैसा रहा? बेकार, हमेशा की तरह, क्योंकि मिस वेंडी खुद को हमेशा की तरह हीरोइन समझती है। हीरोइन समझती हूँ? मैंने गाना गा लिया इसलिए। हाँ, लेकिन उस शो में कोई गाना नहीं होगा। तुम डांस करोगी और मैं पियानो बजाऊंगा। यहाँ सब लिखा है। ओह कम ऑन, तुम और तुम्हारी कीमती नोट्स। देखो, मुझे म्यूजिक पसंद है और गाना गाने से मुझे खुशी मिलती है, लेकिन मास्टर जॉन के हिसाब से तो आफत आ गई, और जिस पल हम तुम्हारी धुन को फॉलो नहीं करते, दुनिया खत्म। पता है क्या, तुम बस जलते हो क्योंकि तुम इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। सरप्राइज पीटर। लेकिन तुम काफी जल्दी आ गए। हाँ, हमें जल्दी जाना होगा, नहीं तो तुम कुछ ऐसा मिस कर दोगे जो तुमने नेवरलैंड में पहले कभी नहीं देखा है, क्योंकि तुम सभी हमेशा देर से आते हो। तो चलो चलते हैं। बाय विंडी। तो चलो नेवरलैंड की ओर, राइट साइड को दूसरा सितारा, और फिर सुबह होने तक सीधे जाना है। यहाँ तो रात हो चुकी है। नहीं माइकल, रात अब भी बाकी है। क्यों ना हम लुटेरों की नींद बिगाड़ दें? इस वक्त नहीं माइकल, हमें वैसे भी देर हो रही है। ओके। तुमने चेक को अच्छे से बांध लिया था ना, उसको गाना नहीं गाने देने का, क्योंकि सूरज उगने वाला है। हाँ, मेरे भाई कस के बांधा है और मुंह भी बंद कर दिया है। अब मुझे चैन से सोने दो। अरे, तुम्हारे खर्राटों की आवाज बहुत आ रही है। वाओ, ग्रेट, हम टाइम पर आए हैं। हेलो लिली। सितारों की धुन बस शुरू ही हुई है। हे, उठ जाओ। वाओ,
मेरी सरगम तोड़ दोगी। बस करो वैंडी, यहाँ तो कम से कम हीरोइन मत बनो प्लीज। मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। क्या कहा तुमने? ढंग से बोलो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सूरज उग गया है, उठ जाओ रे जाओ, हाय आओ। ये क्या हो गया? बड़े दुख की बात है, चारों दिशाओं के सुर की सरगम टूट गए। सूरज उग गया है, उठ जाओ, जागो रे जागो, दिन मचल रहा है, आओ आओ आओ। सुबह हो गई मामू, सूरज उग गया है, जागो रे जागो, आओ आओ डाक चिट्ठी, जागो रे जागो, हाय मेरे प्यारो जागो, हाय आओ हाय। अबे खाओ डाक चिट्ठी। ललिता के सिवाय मेरा गाना कोई नहीं सुनता। रख चुके कोई तो है जिसने सितारों के धुन के दौरान ताल खराब करते हुए गाना गाया, जिसने चारों दिशाओं के सुरों की सरगम तोड़ दी है। ऑर्केस्ट्रा वाले भाग गए हैं, तारे और सूरज छिप गए हैं, और अब से नेवरलैंड में कभी दोबारा सुबह नहीं होगी। ये नहीं हो सकता, जरूर इसे ठीक करने का कोई तरीका तो होगा। क्यों ना हम ऑर्केस्ट्रा को ढूंढे और उनसे कहे धुन फिर से छेड़ दे, शायद सूरज खुश हो जाए। क्या बात है माइकल, ये अच्छा आइडिया है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हे गाना गाने वाले पेड़ो, यहाँ वापस आओ वरना तुम्हारी जड़ पे पेड़ों से बातचीत कबीले के लोग संभाल लेंगे, क्योंकि ये महान वृक्ष ना शोर बर्दाश्त करेंगे ना ही बदतमीजी। ठीक है, शायद बेकाबू सुरों को मैं संभाल लूंगा, वैसे भी मैं पियानो तो बजाता ही हूँ। सही बोलता जॉन, तुम उनसे अच्छी तरह बात कर लेते हो। तो फिर हम छोटे ट्रम्पेट से बात करते हैं। प्यारे भोपू, नेवर ट्री से होते हुए जाएंगे, मेरे पास कुछ चीजें हैं जो काम आएंगी। माइकल और सिंथिया तेजी से उड़ सकते हैं। टिंग 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 टिंग। रही मेरी बात, मैं सितारों को संभालता हूँ। लिली ने तुम्हें रोका भी था, लेकिन तुम्हें हीरोइन बनने से कौन रोक सकता है, है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैंने थोड़ा गाना गा लिया? जान चल अभी। अच्छा तो मैं सिंग सॉन्ग फ्लावर्स का ख्याल रखती हूँ। अच्छी बात है, ये नींद में चले गए हैं। महान वृक्ष जाग जाइए, वापस लौट आइए और सितारों की धुन गाइए। सूरज के बिना हमें गा पाने की ताकत नहीं है। लेकिन आप गाएंगे नहीं तो सूरज उगेगा कैसे? हमें उस बेसुरे कीड़े के असर को निचोड़ पाने तक की ताकत नहीं बची है। ए चक, उसने तेरी पोल खोल डाली है। सावधान, गांव वाले हमारी तरफ ही आ रहे हैं, सावधान, तैयारी करो, सावधान। अरे ये कितना शोर मचा रखा है, वो भी आधी रात को। रात नहीं है, सूरज आसमान में ही छिप गया है। ये तो श्राप है, गांव वालों की भविष्यवाणी सच हो गई और अब हमेशा के लिए अंधेरा होगा। आकाशवाणी में यही कहा था, सूरज को रोशनी देने वाला महान मणि खो गया है। सारी गलती चक की है। आओ भाई डक चुके, आए आओ। अहिला उसके हाथ तो देखे, मेरी कुल्हाड़ी से भी बड़े हैं। और मेरे हथौड़े से भी बड़े हैं। और मेरे आलू छीलने वाले चाकू से भी।
उस बेसुरे आदमी को हमारे हवाले कर दो। अगर इनकार कर दिया तो बिल्कुल मुझे खुशी होगी, वो तुम्हारा ही है। उसे लाल मिर्च का तड़का लगाकर पका दो, फिर मैं ये जंगली भेड़ियों को खिला दूंगा। असल में हम उसे बेहतर सजा देंगे, जैसे क्यों ना वो अपनी गलती सुधारे। उसे चलकर सभी संगीत के जीवों को इकट्ठा करना होगा ताकि हम सितारों की धुन गा सकें। और बहुत बढ़िया, उसे जल्दी मेरे जहाज से ले जाओ वरना मेरे साथी तुम्हारा कीमा बना देंगे। बहुत वक्त बर्बाद करवा दिया। कहाँ हो तुम स्मी? कैप्टन वहाँ बोलिए, हम माउंट पैथन जा रहे हैं। कैप्टन वहाँ आपका वो सूरज का मणि चुराओगे? सारी रोशनी मेरी होगी जब दुनिया का सबसे बड़ा मणि मेरा होगा। आप तो बड़े शैतान हैं। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। सारे लाइफ बोट में बैठो। मैं यहीं रुक जाता हूँ। मैंने तो अभी तक ब्रश भी नहीं किया। खाली पेट बोट में नहीं जा सकता है। खामोश। लाइफ बोट या पटा, क्या चाहिए तुमको? क्या तुम सबको जल्दी तो नहीं है? मेरे लिए जगह बना के रखो, मैं आ रहा हूँ। सुनिए कैप्टन वा, क्या है? हमारे ख्याल से आपको कपड़ा बदलना चाहिए। अरे हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि मुझे वेंडी के साथ सिंग सॉन्ग फ्लावर की देखभाल करनी चाहिए थी। लगता है बेकाबू तूने यही है, बहुत बुरा एलर्जी। मैं इनको इतना गुस्से में आज तक नहीं देखा, ये बहुत गुस्से में है। मेरे ख्याल से मैं भी संगीत के फूलों को संभालना चाहता हूँ। जॉन, तुम एक लौते हो जो इन दोनों से बात कर सकता है। मैं मधुर सुर बजाता है ताकि वो शांत हो जाए। ये बात बन गई है, आगे चलो जॉन, तुमको मौका मिला है, हम तुम्हारे साथ हैं। हाय, पहचाना मुझे? पिछली बार अच्छे से धुन बजाई थी ना? हाँ, तुम पर धुन बजाकर मुझे अच्छा लगेगा। हे! ओ! इतनी जल्दी नहीं, ऐसे मुझसे दूर मत जाओ। ये काम कर रहा है। वाव! हुर्रे! ये वाव! जॉन, तुमने तो कमाल कर दिया। हम इनकी मदद से उन भोपुओं को बुलाएंगे। हाँ, वाव! बड़े भोपुओं को बुलाने के लिए छोटे भोपू। हाँ, हाँ। ये तो बहुत आसान था। हाँ, जल्दी चलो। अरे नहीं, ये तो छिपकलियों के इलाके में जा रहे हैं। ओह, संभाल कर ननी भोपू। क्या बात है! हाँ, सबसे पहला टिंकरबेल ने पकड़ा है। हमें दो पकड़ लिए। ये रहा तीसरा। जॉन कुछ ज्यादा ही बन रहा था। तुम सबके साथ मैंने इतना भी बुरा नहीं गाया है ना? अच्छा, सच में तुम सबकी सरगम इतनी कच्ची है? तुम सही हो, लिली ने मुझे रोका था, लेकिन मैं सच में दिल से गाना गाना चाहती थी। प्लीज, अगर तुम गुस्सा छोड़ दो, मैं कभी तुम सबके गाने के बीच दखल नहीं दूंगी। महान वृक्षो, हमारे पूज्य पिता और नेवरलैंड के ज्ञान, ये है आपका गुनहगार। हमें बताइए आपकी कैसे मदद करें? नहीं कर सकते, रात हो चुकी है, शुभ रात्रि। आओ, ये तो रात है।
इतनी जल्दी भी क्या है चेक? अहो, मैं तो बस उसके लिए लोरी गा रहा था। देखो, लगता है टॉकिंग ट्री म्यूजिक को रिएक्ट कर रहे हैं। बड़े बाबू जरा रफ्तार तो बढ़ाना। ये तो नींद में चल रहे हैं, जैसे हम इंसान चलते हैं। इन्हें ऑर्केस्ट्रा के पास ले चलते हैं। जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा, चलो जल्दी, दम लगा के हईशा। आओ, हाय, डक चके, तुना तुना, हाय, हाय, हईशा, जोर लगा के हईशा, तुना तुना मैं लौट आया। तुम्हारी सजा इतनी जल्दी खत्म भी हो गई, हाँ? हे वेंडी, हमने बहुत से छोटे स्क्वीकर्स पकड़ लिए। अच्छी बात है। ओ, अब ये हुई ना बात। ओ ये हमने कर दिखाया। बा, 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 मेरा मतलब है जॉन ने कर दिखाया। वाह, हम सब ने कर दिखाया। ये तरकीब जेक सौरो की थी। हे, वो कहाँ भाग गया? जेक सौरो भाग निकला? तुम सितारों की धुन शुरू करो, मैं सूरज को संभालता हूँ। माइकल, मेरे साथ आओ। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, लेकिन जेक सौरो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? उसने ताल बिगाड़ी और चारों दिशा में सुरों के सरगम तोड़ दी। क्या, ये सब उसकी गलती है? हाँ, देखा, मैं जानती ही थी कि मैं इतना बुरा भी नहीं गाती। बस भी करो, मुझे पता नहीं चल रहा कि सितारों की धुन कैसे छेड़ेंगे, मेरे पास नोट्स भी नहीं है। दुनिया की शुरुआत से ही मेरा कबीला स्वर के सुरों के पन्नों को संभालता चला आ रहा है। पर इसमें तो कोई नोट्स नहीं है, ये तो सितारों का नक्शा है। कथाओं की मानो तो सुर सितारों में ही लिखे गए हैं। शायद अगर मैं देखो, सितारे कुछ ऐसे बने हैं जैसे कि म्यूजिकल नोट्स ही हो। जॉन, तुम ऑसम हो। हाँ, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। हमें सरगम के सिर्फ मेन नोट्स मिले हैं, ये हम पूरा कैसे करेंगे? हम करेंगे इम्प्रोवाइज। और अगर हमने गलती कर दी तो हमसे दिशाओं के सुर सरगम और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। मैं हूँ ना, इम्प्रोवाइज करना मेरी खासियत है। क्यों है ना, हम दोनों साथ मिलकर ये कर सकते हैं। काम बन रहा है जॉन। आपके प्यार के थपके कहाँ है अटके, हम क्या करेंगे आपके बिना। हम क्या करेंगे आपके बिना। देखो वो गा रहे हैं। करेंगे आपके बिना। मिल ही गया। रुको, उसे जहाँ से लिया उसी जगह वापस छोड़ दो। हुक, सही कहा, इसे मैंने लिया है तो ये मेरा ही है। अरे ओ, सूरज और नीचे जा रहा है। ला 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 ला, आपके प्यार की थपकी कहाँ है अटके, हम क्या करेंगे आपके प्यार के बिना। आपके प्यार की थपकी कहाँ है अटके, हम सभी यात्रियों जान ले, हम पहुँच गए हैं, सारे उतर जाओ। ला 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 ला। लुटेरे, ये मेरा है, ये मेरा है। माइकल, तुम जाकर जेम ले आओ, इन लुटेरों को मैं संभालता हूँ। आहा, आओ,
डबल नॉकआउट। अब अगली बारी किसकी है? सूरज मेरा होगा। ये पारी है। सॉरी टिंकल। अरे नहीं, ये काम कर रहा है। मेरा मणि, मेरा मणि। ओहो, आपके प्यार की धमकी कहाँ है? हम क्या करेंगे आपके प्यार के बिना? आपके प्यार की धमकी कहाँ है? हम क्या करेंगे आपके प्यार के बिना? आपके प्यार की धमकी। ना 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 कैप्टन, हम क्या करेंगे आपके बिना? हमने सब ठीक कर दिया और हम खुशी से नाचते गया जी। इस फिल्म के हीरो तो हम सब ही हैं। तुमने सही कहा माइकल, घर जाने का वक्त हो गया है। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा, वैसे भी अभी तो दिन शुरू हुआ है। गुड नाइट पीटर। थैंक यू पीटर, बहुत मजा आया। सितारों को सूरज से प्यार हो ही गया। चलो घर चले। सितारों को सूरज से प्यार हो गया, सितारों को सूरज से प्यार हो गया। हे, सोने का वक्त हो गया है, ऐसा तुम्ही ने तो कहा था ना। क्या कोई मुझे कहानी सुनाए कभी? एक बार की बात है। हाँ।